एवरीवन, इट्स मी त्रिष्टिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हेयर ग्रोथ सीरम। किस तरह से घर पर आप हेयर ग्रोथ सीरम बनाकर अपने हेयर की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी होम रेमेडीज़ है, लेकिन ये जो रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इफेक्टिव है। इससे आपके जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत बहुत जल्दी ही आपके हेयर की ग्रोथ होगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और किस तरह से इसे बनाना है, तो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो आपके घर में ही मिल जाएगी, नहीं तो आपको नॉर्मल सी मेडिकल शॉप पर या कहीं पर भी आपको अवेलेबल होगी। आप शॉप से, लोकल मार्केट से जाकर भी परचेस कर सकते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई कैप्सूल, और हमें चाहिए कैस्टर ऑयल। ये है कैस्टर ऑयल। ये आपको कोई भी प्रोविजन स्टोर या मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होगा। तो ये आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और आपकी इन 3 इंग्रेडिएंट्स से ही आप किस तरह से एक सीरम अच्छा सा बना सकते हैं अपनी हेयर के लिए। और इससे आपकी हेयर ग्रोथ होगी, हेयर में आपकी जो अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाएगी। आपकी हेयर एकदम सिल्की शाइनी होंगे, और बहुत ही आपके रूट्स के अंदर ये जाकर आपके इस हेयर को बहुत नरिशमेंट मिलेगा। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी रेमेडी है। तो हम इसे बनाना शुरू कर रहे हैं। किस तरह से हमें किस किस क्वांटिटी में इसे लेकर बनाना है, तो चलिए मैं और इसे, हाँ, जब भी आप बनाएंगे तो आपको बस जब आप इसे सीरम को अप्लाई करेंगे उतना ही बनाना है आपको, और उसको अप्लाई करके और उसके मतलब आपको एक बार ही बनाकर और पूरा अप्लाई कर लेना है, आपको स्टोर नहीं करना है इसे। एंड देन उसके आपको और वीक में कम से कम 2 टाइम्स आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ताकि तभी ये ज़्यादा आपको इफेक्टिव करेगा। और 1 मंथ आप एक बार इसे ट्राई करिए तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम बनाना शुरू कर रहे हैं। और उससे पहले, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आती है तो, सभी के साथ में शेयर भी करिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमें लेना है इस तरह से एक बाउल, और इसमें हमें सारी चीज़ें मिक्स करनी हैं। तो हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे ऑयल, कैस्टर ऑयल, इसे हमें 2 स्पून लेना है। आपको पता है ये बहुत ही थिक होता है। मेरी हेयर लॉन्ग है तो मैं इसे अपने रूट्स पर भी अप्लाई करूंगी, और थोड़ा अगर बच जाता है तो हम अपने नीचे लेयर लेंथ पर भी इसे लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने 2 स्पून लिया है ये ऑयल, एंड 2 स्पून ही मुझे एलोवेरा जेल लेना है। ये ऑयल एंड ये दोनों मैंने 2-2 चम्मच ले लिया है, और विटामिन ई कैप्सूल है, ये मैं 1 कैप्सूल इसमें यूज़ करूँगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको पता है कि जो 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं ये बहुत ही इफेक्टिव है हेयर ग्रोथ के लिए। और जो कैस्टर ऑयल है उससे हमारी हेयर ग्रोथ होती है, एंड एलोवेरा जेल है इससे भी हमारे हेयर रूट्स की सारी प्रॉब्लम्स है वो दूर होती है और हेयर ग्रोथ होती है, एंड विटामिन ई का जो कैप्सूल है वो भी हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं ये तीनों ही हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से सीरम तैयार हुआ है। अब इसे हमें अपने पूरी रूट्स में इसे हमें अप्लाई करना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से आप इसे अप्लाई करेंगे। आपको अपने हेयर को इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। और इसे रूट्स में लगाना है।
इससे आप वीक में कम से कम 2 बार जरूर इसे अप्लाई करिए अपने पूरे रूट्स पे। इससे आपकी जो हेयर है ग्रोथ होंगे और आपके हेयर की जो प्रॉब्लम्स है वो सभी दूर हो जाएगी। इस तरह से ये पूरे हेयर पर मैंने अप्लाई कर लिया है और इसे आप हेयर बन बना लें। तो इसे मैंने पूरा अप्लाई कर लिया है और ऐसा बन बना लिया है। अब आप इसको कम से कम 2 घंटे अपने सिर पर अपने ऐसे ही रहने देंगे एंड 2 घंटे बाद में आपको हेयर वॉश करना है या फिर आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल हो आप कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है, इसे आप वीक में कम से कम 2 बार करिए और कंटिन्यू करिए। आप इसे कम 1 महीने तो आप कंटिन्यू करिए, इससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत जल्दी होगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो सभी के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप कुछ भी वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो आपको पसंद है या आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है या आप चाहते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइए, तो मैं आपके लिए उस पर वर्क करूँगी और आपके लिए अच्छा अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।